नोएडा के कॉल सेंटर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब नोएडा पुलिस के साथ साथ एटीएस ने कॉल सेंटर में छापेमारी कर दी। पुलिस ने कॉल सेंटर से 7 लोगों को हिरासत में लिया है। जानकारी के मुताबिक कॉल सेंटर का संचालन कश्मीर के युवक युवतियां कर रहे थे। छापेमारी की सूचना मिलते ही नोएडा के डीसीपी हरीश चंद्र भी मौके पर पहुंच गए। एटीएस की टीम भी करीब 2 घंटे से भी अधिक समय से अंदर है। बताया जा रहा है कि पुलिस हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ करने के साथ ही कॉल सेंटर के रिकॉर्ड भी खंगाल रही है। पुलिस ने चारों तरफ से बिल्डिंग को घेर रखा है। एक हमारी सूचना की टीम लोकल थाने की और दिल्ली सरकार से जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक टीम टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की, इनको एक सूचना प्राप्त हो रही थी कि यहाँ पे एक कॉल सेंटर चल रहा है जिसमें जो है वो तत्काल आज छापेमारी की गई है। इसमें 2 नाम प्रकाश में आए हैं जो कंपनी के डायरेक्टर हैं, एक बासित और एक करमिला ही। इनके द्वारा जो है वो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू कॉल जनरेट कराई जाती थी और हमारे यहाँ जो है डिफरेंट लोकेशंस में कॉल भेजी जाती थी जिसमें DOT की टीम जो है वो वॉच कर रही थी। उसी क्रम में जो है वो आज इनसे पूछताछ चल रही है और अभी फर्दर जो है वो ये भी जानकारी मिल रही है कि इसमें गवर्नमेंट को काफ़ी रेवेन्यू लॉस हो रहा था और उसी क्रम में जो है अभी बातचीत चल रही है और फर्दर जो भी डिटेल निकल के आएगी आपसे शेयर की जाएगी। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है यहाँ पर? अभी जो है वो करम इलाही से पूछताछ चल रही है और इसमें एक और शख्स है बासित, उनसे भी जो है वो बातचीत की जाएगी। बासित यहाँ पर नहीं है, उनको जो है वो लोकेशन ट्रेस करके बात की जाएगी। सर ये कहा जा रहा है कि राजेश को नुकसान कर रहा है, ये DOT की टीम जो है असेसमेंट कर रही है। लगभग जो है वो 20 लाख से ऊपर का पर डे का नुकसान ये लोग कर रहे थे। चूँकि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू बाहर से कॉल जनरेट करा करके यहाँ लोकल नंबर्स के थ्रू भेज रहे थे तो उसमें जो है एक निश्चित लेवल पे राजस्व की नुकसान हो रही थी। उसी क्रम में जो है ये टीम आज यहाँ आई भी थी, तो उसकी फर्दर डिटेल जो है वो DOT की टीम हमसे साझा करेगी तो हम आपको जो है वो। सर यहाँ की टीम विदेशों में भी कॉलिंग की रहती नहीं, ये बाहर से कॉल यहाँ जनरेट हो रही थी और फिर जो है वो लोकल लेवल पर जा रही थी। एक्टिविटी मतलब आतंकवादी से जुड़े हुए अभी हर एंगल पर हम लोग जाँच कर रहे हैं। अभी उस पर जो है वो तुरंत कुछ नहीं कहा जा सकता, बट ये है कि सारी कॉल्स का इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। अब तक की जानकारी के अनुसार इस कॉल सेंटर के जरिए बेस्ट स्टार डिपार्टमेंटल स्टोर के नाम से लोगों के पास कॉल करके ग्रोसरी गिफ्ट के ऑफर दिए जा रहे थे। इसके साथ ही विदेशी कॉल को भी भारतीय ग्राहकों के पास ट्रांसफर किया जाता था। इससे सरकार को राजस्व का भी नुकसान हो रहा था। इस फर्जी कॉल सेंटर का संचालक जम्मू कश्मीर के 12 मुला का रहने वाला है। इस कॉल सेंटर की आड़ में वो विदेशी कॉल को देश भर में अवैध तरीके से ट्रांसफर करता था। पंजाब केसरी के लिए नोएडा से गौरव की रिपोर्ट।